ये जो आपकी 12 साल से लेके और ये जो 25 साल तक की एज होती है उसमें आपके पास है ना ऊपर वाले की दुआ से बहुत बहुत एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, मैक्सिमम काम कर सकते हो आप। 25 साल के बाद आपकी एनर्जी घटने लगती है, ये सबको पता होगा। उस एनर्जी को चैनलाइज करो अपने फ्यूचर को बनाने में, क्योंकि आप उस टाइम पे जितनी मेहनत करोगे, जिस डायरेक्शन में जाओगे है ना, आप उसमें अपना करियर बना लोगे। यार मान लो आपको बॉडी बिल्डर बनना है, भाई तुम्हें लग रहा है कि 12 साल में तुम्हारे में वो इमोशन आ रहे हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में, तो 12 साल में वो इमोशन उन हार्मोन्स के साथ साथ पावर वाले हार्मोन्स भी आते हैं तुम्हारी बॉडी में। जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, वो हार्मोन्स भी आते हैं। जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में, वो हार्मोन्स भी आते हैं। कई लोगों को सिंगर बनना है, कई लोगों को साइंस बहुत अच्छी लगती है, कई लोगों को डांसर बनना है, कई लोगों को जिम्नास्टिक करनी है, जिम करनी है, बॉडी शॉडी बनानी है, ठीक है, कई लोगों को एक्टर बनना है, तो तुम्हें वो फीलिंग भी आने लगती है। कई लोगों को आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना भी गलत बात नहीं है, समझ में आ गया। कई लोगों को पोएट्री करनी है, कई लोगों को मीडिया में जाना है, कई लोगों को टीवी देखकर बड़ा अच्छा लगता है, एंकर बनना है, तो उस डायरेक्शन में भी जाना शुरू करो ना। तो जब आप एहसास करते हो ना कि यार मुझे वो लड़की बड़ी अच्छी लग रही है, आई लव हर, या मुझे वो लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, आई लव हिम, जब ये फीलिंग आती है तो उस फीलिंग के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे करियर ऑप्शंस की भी फीलिंग आती है भाई, तुम्हारा इंटरेस्ट कहां पर है वो फीलिंग भी आती है भाई। तभी तो तुम जाके आगे साइंस सेलेक्ट करते हो, आर्ट सेलेक्ट करते हो, तुम इतने मैच्योर हो चुके होते हो, जब तुम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हो तो तुम अपने करियर के बारे में भी सोच सकते हो। और उस सारी एनर्जी को जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में खर्च होने वाली है लगा दो अपने करियर के अंदर, फिटनेस के अंदर लगाओ। वो सारी एनर्जी जब फिटनेस पे या फिर अपने जो चीज तुम करना चाहते हो उसमें लगा दोगे, चैनलाइज कर दोगे, तुम सिंगर बनना है तुम्हारी हॉबीज में लगा दोगे। मैंने बहुत बार ऐसे बच्चे देखे हैं जो छोटे छोटे से हैं, बहुत अच्छी हॉबी क्लासेस में जाते हैं, सिंगिंग की हॉबी क्लासेस में, डांसिंग कथक सीख रहे हैं, यू नो क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, क्लासिकल डांसिंग सीख रहे हैं, यू नो भरतनाट्यम सीख रहे हैं। छोटी छोटी सी एज में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, कई लड़के ऐसे देखे हैं छोटी सी एज में जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, अच्छी बात है। वो क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। तो ढूंढो ना, ढूंढो कि तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाओ, जस्ट गो देयर। अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्ट करो उसको, हटाओ वहां से, लगाओ नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भाई, वो एनर्जी को लगाओ बॉडी बनाने में, वो एनर्जी को लगाओ म्यूजिक सीखने में, वो एनर्जी को लगाओ डांस सीखने में, वो एनर्जी को लगाओ ऐसी चीजों में जिससे आपका करियर बने। एक 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 ऐसी हॉबी पैदा करो जो आगे जाके मे बी आपकी एक्चुअल जॉब बन जाए, मे बी, या असल में आपको अर्निंग करके दे। बहुत इंपॉर्टेंट है।